स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल, दिस इज रोशन सर मैक्स। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, एक नए वीडियो की शुरुआत हम करते हैं। आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दे। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं कि सर हमको कन्फ्यूजन हो रहा है कि हम एसे वन का रिविजन कहां से शुरू करें, कैसे शुरू करें। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये एक डाउट आप में होगा, ये क्वेश्चन जरूर आप में उत्पन्न होगा। इस तरीके के डाउट्स आपके माइंड खराब करेंगे, दिमाग करके खराब करके रख देंगे। तो इसीलिए मैं शुरू से एक मोटिवेशनल वीडियोस अपलोड करते जा रहा हूं कि आप शुरू से पढ़िए, एक लेसन पढ़ लीजिए। स्कूल में हो गया तो उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट नोट्स बनाइए, आंसर्स याद कीजिए। सेकंड होगा, एक एक करके आप पढ़ लीजिए ताकि एग्जाम में आपको डाउट ना रह सके। लेकिन जब हम मेहनत नहीं करते, एग्जाम्स के टाइम मेहनत करने की कोशिश करते हैं, तो हमको सारा कंफ्यूजन रहता है। फिजिक्स पढ़ेंगे तो बायोलॉजी छूटता है, बायोलॉजी पढ़ेंगे तो मैथ्स छूटता है। इस तरह दो सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो तीन सब्जेक्ट, इस तरह पेंडिंग 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 वर्क हमारे पास रहता है, कैसा कवर करें। चलिए अब मैं ये वीडियो स्टार्ट कर रहा हूं, अभी से समझिए। अभी से आपको एक प्री प्लान आपको तैयार करना है कि रोजाना मैं दो सब्जेक्ट कंप्लीटली कवर करूंगा एग्जाम्स तक। आप एक सब्जेक्ट आप ले लिए, उसके 3-4 लेसन जो भी है आप याद करने की कोशिश करें। उसके बाद मतलब आपका शेड्यूल एक लेसन, एक सब्जेक्ट को एसे वन एग्जाम्स तक 3-3 टाइम आपको रिपीट करना है। जैसे आज फिजिक्स पढ़ लिए कंप्लीटली, उसके बाद 1-8 दिन के बाद फिर फिजिक्स पढ़े, उसके बाद 1-8 दिन के बाद फिजिक्स पढ़े, मैथ्स कर लिए। सर मैथ्स को तो एवरीडे आपको प्रैक्टिस करना है, सिलेबस वहां पर ज्यादा होगा। तो धीरे धीरे करके देखिए, आपका टाइम टेबल, आपका रिवीजन आपको बेहतर सेट कर सकते हो। अगर मैं बनाऊंगा तो मेरा टाइम टेबल होगा, मैं आपको कहूंगा कि ऐसा पढ़िए, तो हो सकता है जब मैं पढ़ो कहने के लिए कह रहा हूं तो हो सकता है उस वक्त तो आपको कुछ काम होगा, या आपके स्पेशल क्लासेस चल रहे होंगे या ट्यूशन क्लासेस चल रहे होंगे। आपके सिलेबस को, आपके टाइम टेबल को, आपके रिविजन को आप खुद सेट कर लेना बेहतर होगा। अगर आप इसी तरह सोचते रहेंगे कैसे शुरू करें, कहां से शुरू करें, कंफ्यूजन हो रहा है, तो ये हमेशा चलता रहेगा। शुरुआत तो कहीं ना कहीं से करना ही होगा आपको। अगर हम 10 किलोमीटर भी चल रहे हैं तो पहला कदम तो रखना ही पड़ेगा, उसके बाद दूसरा कदम, तो उसी तरह कहीं ना कहीं से आपको शुरू करना ही पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप जल्दी जल्दी आपका रिविजन खत्म हो, तो सबसे पहले इजी सब्जेक्ट को आप साइड में रखिए, टफेस्ट सब्जेक्ट पर ज्यादा मेहनत कीजिए। टफेस्ट सब्जेक्ट के भी दो पार्ट्स बना लीजिए, पहला पार्ट आपको इजी, सेकंड पार्ट थोड़ा सा टफेस्ट। इस तरह अगर आप पार्ट वाइज बनाकर अपने स्टडीज पे सीरियसली फोकस करेंगे, डेडिकेशन के साथ फोकस करेंगे, तो आसानी होगी। अगर नहीं, इसी तरह कंफ्यूजन होगा तो कोई आके हमको बताएगा, कोई सर आके हमको टाइम टेबल देंगे, हम पढ़ेंगे, ये बिल्कुल बेकार बात है। कोई भी आपको टाइम टेबल बना के देने वाला नहीं, कोई भी आपको हाथ पकड़कर पढ़ो कहने वाला है। आपका जो रिविजन है आप खुद सेट करना पड़ेगा, आपका रिवीजन आपको ही सॉल्व करना पड़ेगा, आपका एग्जाम आपको ही लिखना पड़ेगा। तो इसलिए माय डियर स्टूडेंट, सारे कंफ्यूजन छोड़ दीजिए, अभी से स्टार्ट कर दीजिए। आपके पास मैथमेटिक्स है, 8 चैप्टर्स है, जितने इजी चैप्टर जो आते हैं पहले सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद जो नहीं आते उसके बारे में पढ़िए। फिजिक्स है, जो आपको याद है टॉपिक्स वो याद कर लीजिए एक बार, फिर उसके बाद जो नहीं आते उसके बारे में। इस तरह एक एक स्टेप करते करते अगर बढ़ेंगे तो आप एग्जाम्स तक आराम से अपना सिलेबस कर पाएंगे। फिर भी आपको डाउट है तो मेरे इस चैनल पे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स अपलोडेड है, या अभी मैं करने वाला हूं, वो क्वेश्चन पेपर को देखकर उन टॉपिक्स को भी कम से कम पढ़ लीजिए ताकि आपका एग्जाम अच्छा जा सके। SA1 बहुत क्रूशल एग्जाम है। आपके परसेंटेज कितने मार्क्स होगा, आपका मार्क्स का परसेंटेज क्या होगा, आप कितना एग्जाम अटेंड करें, कितने मार्क्स ला सकते हो, सारा दूध का दूध पानी का पानी इन एग्जाम में होगा। इजी नहीं, बिल्कुल नहीं लेना है इन एग्जाम्स को, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है। आपका जो क्या कहते हैं इसको हम, कमेंट या आपका जो मोटिवेशन है या आपका जो कॉन्फिडेंस है वो हाई करने वाले एग्जाम से ही अच्छा गया तो समझिए कि एग्जाम आप आने प्रिपरेशन अच्छा किया, अगर नहीं गया तो समझिए कि आपका प्रिपरेशन अच्छा नहीं हुआ। तो उसके बाद भी मौका रहेगा, अगर कुछ सब्जेक्ट आपके पास कमजोर है या नहीं है तो एग्जाम एक बार SA1 होने के बाद देखिए, जो सब्जेक्ट आपका कमजोर है उस पर वर्कआउट करने की कोशिश कीजिए। शुरू करिए, जरूर शुरू करना इंपॉर्टेंट है।
मेरे साथ बने रहिए, इसी तरीके के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट।